कराची से ना? क्या कराची से? भाई एमी, हर बात आप मुझसे पहले ही पूछ लेते हैं। अब कराची से जो कुछ भी है मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। क्यों आफरीदी साहब, इन्हें कुछ बताऊं कि नहीं? अरे अरे, मैं शाहिद आफरीदी नहीं, यूनुस आफरीदी से पूछ रही हूँ। क्या कहा, नहीं बताऊं? चलें जी, मैं नहीं बताती, आप खुद ही देख लें कि क्या है इस रिपोर्ट में। हुकूकुल्ला की अदायगी में हम कोशिश करते हैं कोई कोताही ना हो, लेकिन हुकूकुल इबाद पर हमारी तवज्जो बहुत कम है और जो लोग ये काम करते हैं वो इंसानियत की अजमत की बुलंदी पर पहुंचते हैं। कराची में एक ऐसे ही शख्स अकबर अली राणा ने सहारा वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद डाली और जहनी जिस्मानी कमजोर और नातवां बूढ़े अफराद की देखभाल के लिए सहारा विलेज कायम किया। तो ये हमने ओल्ड एज सहारा विलेज ओल्ड एज होम बनाया। यहाँ पे जो है ना लोगों को जो है ना हमने 24 आवर रखते हैं, इनको जो है ना खाना पीना मेडिसिन तमाम चीजें जो है इनको मुहैया करते हैं, प्लस इनको तफरीह मुकाम पार्क भी लेके जाते हैं। सहारा विलेज में जहनी जिस्मानी माजूर और मनुष्यात के आदि अफराद को ना सिर्फ रखा जाता है बल्कि उनका इलाज मुआवजा भी करवाया जाता है। सहारा विलेज में मनुष्यात के आदि अफराद को मुआशरे का जिम्मेदार फर्ज बनाने के लिए इलाज के साथ साथ उनकी तरबियत भी की जाती है। चंद नौजवान जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ आए थे वो सेहतमंद होकर वहीं खिदमत अंजाम दे रहे हैं और चंद अपने घर भी जाना चाहते हैं। घर वाले तुम्हारे को याद आते, किसको नहीं, चले जाएंगे घर, ये भी घर ही हमारा अपना। सहारा विलेज में लावारिस खवातीन भी हैं जिनकी देखभाल घरेलू अंदाज से की जाती है। कुछ ऐसी खवातीन हैं जिन्हें घर वाले छोड़ गए हैं, इनमें सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस अनवारुल हक मरहूम की बेवा भी शामिल हैं। उनकी साहबजादी उनसे मुलाकात के लिए आती हैं, लेकिन इन्हें अमेरिका में मुकीम भाई की याद बहुत सताती है। सब लोग ख्याल करते हैं, ये कम करने वाली ये भी ख्याल रखती है मेरा बहुत। सहारा विलेज ओल्ड एज के बानी अकबर अली राणा अब थक चुके हैं और वो खुद भी ताजर हैं, लेकिन उनकी बिरादरी उनका साथ नहीं देती। उनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत और मुखय्यर हजरात बूढ़े कमजोर नातवां माँ बाप की मदद के लिए आगे आए, क्योंकि जो कल हमारा सहारा थे आज इन्हें सहारे की जरूरत है। अब मेरी कमर टूट गई है, अब जो हालात इस टाइम महंगाई के चल रहे हैं, इस हालात में मेरे हालात जो है बल्कि सहारा पब्लिक राइट्स के बहुत मुश्किलात पे जा रहे हैं। बच्चों, यहाँ तक कि बच्चों के लिए दूध लेता हूँ तो मैं पहले अपने इदारे के मतलब सोचता हूँ कि क्या बनेगा। सहारा वेलफेयर की इंतजामिया की ख्वाहिश है कि हुकूमत और मुखय्यर हज़रात इनकी भरपूर मदद करें ताकि ये अल्लाह की मखलूक की मजीद खिदमत कर सकें। मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन हबीबुर रहमान के साथ यूनुस आफरीदी, दुनिया न्यूज़ कराची। आजकल हर कोई सुनता कम और बोलता ज्यादा है, भाई जिसे देखें बस बोलता ही चला जाता है और जब सुनने की बारी आती है तो रफोजक कर हो जाता है। खैर, इस तरह तो नहीं करना चाहिए ना, अगर आपने बात कर ली है तो दूसरी की भी सुन लें। अब जबकि हर कोई कुछ ना कुछ कहना चाहता है तो कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना। मुझे लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहते क्यों नहीं है भाई। चलिए सुनते हैं मुल्क के निजामे तालीम के हवाले से जो आप कहते हैं। हमारे जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो स्टूडेंट्स का है उनमें गैप आ गया है, उनका स्टडी क्राइटेरिया और बाकी डिफरेंट्स काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स प्राइवेट गवर्नमेंट की तरफ आ जाते हैं और कुछ प्राइवेट की तरफ चले जाते हैं। सो बेसिकली डबल स्टैंडर्ड एजुकेशन का स्टैंडर्ड होना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को ही चाहिए वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले, फ्रॉम द रूट लेवल, प्राइमरी लेवल से लेकर टिल टू दी मैक्सिमम लेवल ऑफ एजुकेशन टॉप, जितना भी आपके पीएचडी लेवल तक है वो गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करना चाहिए। एक्चुअली इसमें ना एजुकेशन सिस्टम में डाइकॉटमी नहीं होनी चाहिए। देखिए आप एक तौर पे तो गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी लेवल पे बच्चे आ रहे हैं, एक जो है वो उनका स्टार्ट इतने हाई लेवल से हो रहा है, वो कैसे दोनों एक साथ चल सकते हैं? आप देखिए वो दोनों एक साथ नहीं चल सकते ना। यहाँ पे मार्क्स को देख के ही ज़्यादा रखते हैं तो फिर जो मीडियोकर्स हैं वो फिर कहाँ पे जाएंगे? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में सारे मार्क्स को देख के ही रखते हैं और प्राइवेट में हर एक को मिल जाता है चांस, इसीलिए ज़्यादा अब लोग प्राइवेट की तरफ जाने लग गए हैं। तो प्राइवेट जो प्राइवेटाइजेशन है वो उसको प्रॉपरली ले रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गया एजुकेशन के, वैसे तो हम सारे प्रोग्राम सारा कुछ क्वालिटीज वाइज सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उसकी वजह से एम्फसाइज जो भी लोग कर रहे हैं उसकी वजह से रिजल्ट आउटपुट भी अच्छी आ रही है, उसके लिए स्टूडेंट्स लोग हर कोई चाह रहा है कि मेरा बच्चा पढ़े स्टडी की तरफ आए, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट के अगर सिर्फ गवर्नमेंट में देखा जाए तो वो प्रोवाइड कर ही नहीं सकते जितना हम सिनेरियो चल रहा है। गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंस आता है इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ कम है,
उतनी अच्छी तरह से वो उनको एजुकेट नहीं कर रहे, उनके पास पूरा सेटअप वैसा नहीं है। कंपैरेटिवली प्राइवेट्स में फ़ीस ज़्यादा है, बट स्टिल वो इन द एंड आपको एक अच्छा और पढ़ा लिखा ह्यूमन बींग बनाते हैं। तो आई थिंक इसमें आई थिंक कोई बुराई नहीं है कि अगर आपको इवेंचुअली गुड रिजल्ट मिल रहा है तो आप प्राइवेट में जाएँ। जी तो कह दिया आपने, बहुत खूब कहा, आप जो कहते हैं खूब ही कहते हैं, बस यूं ही कहते रहा करें, दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए। हम आपको कुछ ना कुछ कहने का मौका देते रहेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी तो वक्त है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।